क्या डर आप पर कभी इतना हावी हुआ है कि आप डर की वजह से अपनी उंगलियां तक ना हिला पाए हो? बिना पल के झपकाए, बिना मुंह हिलाए, बिना बात किए, क्या आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि डर के मारे आप केवल कांप रहे हो और बेबस होकर बर्फ की तरह जम गए हो? मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और यही कहानी जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है तब की जब मैं 11 साल का था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहा था। मैंने कहा कि मुझे जल्दी घर जाना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए और मेरी माँ मुझे डांटे। जंगल से निकलने के बाद जब मैं आधे रास्ते में था तब मुझे अजीब सा फील हुआ। अचानक से कीड़ों और जानवरों की आवाज शांत हो गई। इस सन्नाटे की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने फिर धीरे से इधर उधर देखा। तभी मुझे जंगल के अंदर से एक भयानक आवाज सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई जानवर की रोने की आवाज है, लेकिन आवाज और तेज होते जा रही थी और जानवर की चलने की आवाज काफी तेजी से मेरे पास आ रही थी। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसी पल अंधेरे में मैंने देखा कि एक भयानक चीज जैसा कुछ मेरे पास आ रहा है और उस समय मुझे एक ऐसी चीज का सामना करना पड़ा जो मैंने लाइफ में इससे पहले कभी नहीं देखा था। कई अंगों वाला एक भयानक जानवर काफी तेज स्पीड से मेरे ओर रेंगते हुए आ रहा था। पहले तो मुझे लगा कि कोई इंसान होगा जो रेंग रहा है, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होगा कि इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे मैंने उसे करीब से देखा, वो एक मकड़ी जैसा नीला और लगभग 3 फीट लंबा था। उसकी आंखें अंगूर जैसी थी। मैं मौके पर ही जम गया। लकली उसने मुझ पर हमला नहीं किया। वो चारों ओर मंडराता रहा और ऐसा लग रहा था कि अपने मुंह में किसी चीज को वो काफी स्पीड से चबा रहा था। मैंने हड्डियों की चबाने की आवाज सुनी और ये एक अजीब सी आवाज थी। सबको ये लगेगा कि मैंने वहां से भागने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। डर की वजह से मेरी हिम्मत हुई ही नहीं। मैं बस इतना ही कर सकता था कि मैं शांत रहूं। वो भयानक चीज जितना मेरे करीब आ रही थी, ठंड उतनी तेज होती जा रही थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो चीज बहुत ही ठंडा है, मानो मेरे सामने बर्फ का एक टुकड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ठंडी हवा में खांसी आ जाएगी, इसलिए मैंने अपनी खांसी को पूरे रास्ते में दबा कर रखा। वो मेरे आगे पीछे घूम रहा था और सोच रहा था कि मुझे खाए या ना खाए। क्या आप लोग उस मंजर को महसूस कर सकते हो? जिस पल मैं जरा सी हिलने की कोशिश करता तो वो मुझ पर अटैक कर देता। कोई नहीं समझ सकता उस पल को। उस वक्त नाक में खुजली होने पर भी मैं अपना हाथ तक नहीं हिला सकता था और यहाँ तक कि मैं अपने बॉडी को भी जरा सा हिला नहीं सकता था और खड़े खड़े मेरे पैर भी दर्द होने लगे थे। मैंने बहुत ही शांति से सांस ली क्योंकि मुझे डर था कि सांस लेने की आवाज भी वो सुन लेगा। इसी बीच मुझे फील हुआ कि धीरे धीरे मेरा ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है और मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो भयानक जानवर दर्जनों बार मेरे चारों ओर घूमता रहा और अंत में वो मुझसे धीरे धीरे दूर जाने लगा। जब वो लगभग 100 मीटर की दूरी तक चला गया था तब भी मैं टस से मस नहीं हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही मैं हिलूंगा वो तुरंत मुझे दौड़ा लेगा और मुझे जिंदा फाड़ डालेगा। कुछ समय के बाद आखिर वो खूंखार प्राणी जंगल में गायब हो गया और मेरी जान में जान आई। जैसे ही मैंने चलने की कोशिश की मैं जमीन पर चकराकर गिर पड़ा। मैं किसी तरह अपने पैरों पर रेंग कर घर पहुंचा। जब मेरी माँ ने मेरे नीले होंठ को देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या चल रहा है। फिर मैंने पूरा किस्सा उनको सुनाया, लेकिन उनको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। और फिर मेरी नजर घड़ी पर गई और मैंने घबराते हुए देखा कि आज मैं एक जिंदा भयानक प्राणी से मिला और घंटों तक एक चट्टान की तरह चुपचाप वहां खड़ा रहा। उस रात मुझे 104 डिग्री का बुखार हो गया था और गांव के डॉक्टर ने आकर मेरा इलाज किया। सौभाग्य से मैं बच गया था और मैंने डॉक्टर को सारा किस्सा सुनाया और उन्होंने कहा, यह वास्तव में काफी डरा देने वाली बात है। एक बच्चा था जिसने सेम स्टोरी सुनाई थी जो तुम बता रहे हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बच्चा गायब हो गया और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। उसके चेहरे पर खामोशी छा गई थी। सौभाग्य से मैंने उस दिन के बाद उसे नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चाहूं तो शहर में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह का पता कर सकता हूं। काफी पालतू कुत्ते और पशु गायब हो गए थे। आस पड़ोस के लोग जो कोई भी जंगल जाते थे वो दोबारा वापस लौटकर नहीं आते थे। पुलिस ने जब भी इन्वेस्टिगेशन किया तब यही बताया कि उन लोगों को जंगली जानवरों ने खा लिया होगा, लेकिन बात कुछ और ही थी। दुख की बात तो यह है कि हर कोई उस चीज को देख के भागने लगता था और उन्हें पता नहीं था कि भागना उनका एक गलत डिसीजन है। वो लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि वहां से भागना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल था। उस घटना के बाद मेरी फैमिली सिटी में शिफ्ट हो गई और मुझे नहीं पता कि उस भयानक जानवर का क्या होगा। मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन मुझे अभी भी बिल्कुल याद है उस दिन का डर, मौत का डर,
जो अब तक मुझे महसूस होता रहता है, जब वो लगातार मेरे चारों ओर चक्कर काट रहा था। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। अगर उस समय मैंने अपनी खांसी नहीं रोकी होती तो शायद मैं आज यहाँ ना होता।